हाय नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एक्टिंग लॉजी में। तो आज का हमारा टॉपिक है नेचुरल एक्टिंग या रियलिस्टिक एक्टिंग आखिर क्या होती है और इसे कैसे कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देखते हैं स्क्रीन पर बहुत सारे एक्टर्स एक्टिंग कर रहे होते हैं और आपको लगता है यार ये एक्टिंग तो कर ही नहीं रहे, ये सच में हो रहा है ना, बिल्कुल भी एक्टिंग नहीं कर रहे, ओवर एक्टिंग नहीं कर रहे, एकदम रियल की घटना जो कि चल रही है आपके स्क्रीन पे। जैसे आज के दौर में बहुत सारे अच्छे एक्टर्स हैं जो नेचुरल एक्टिंग करते हैं। जैसे हम बात करें आज के दौर में राजकुमार राव सर जो एक्टर हैं, नवाजुद्दीन सर, पंकज त्रिपाठी जी और मनोज वाजपेयी जी, और ऐसे ढेरों एक्टर्स हैं जो बहुत ही रियल अप्रोच के साथ परफॉर्म करते हैं, एकदम नेचुरल तरीके से अपना जो एक्ट वो करते हैं। तो ये सब देख के नए एक्टर्स के दिमाग में अक्सर ये आता है कि यार हम नेचुरल एक्टिंग कैसे कर सकते हैं, यार नेचुरल एक्टिंग या रियल एक्टिंग होती क्या है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए समझते हैं। तो जैसा इसका नाम है गाइस, नेचुरल एक्टिंग मतलब नेचुरल, प्राकृतिक, प्रकृति के हिसाब से जो आपका तरीका है बात करने का, हंसने का, रोने का, गुस्सा होने का या किसी भी इमोशन को एक्सप्रेस करने का, जो आप रियल लाइफ में करते हो ना, जो भी एक्टिविटीज करते हो, आपके बात करने का तरीका, आप बात करते करते कहाँ पे पॉज लेते हो, आपके बात करने का रिदम क्या है, टेम्पो क्या है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, रियल लाइफ में आपके एक्सप्रेशंस कैसे हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करते हो, आप डिफरेंट डिफरेंट इमोशन को कैसे पोर्ट्रे करते हो अपने रियल लाइफ में, तो आप जैसा करते हो रियल लाइफ में सेम टू सेम आपको जब आप एक्टिंग करने जाते हो तो आपको वैसे ही करना है। तो ये हो जाएगी आपकी नेचुरल एक्टिंग, ठीक है। तो नेचुरल एक्टिंग के बारे में ये जो मैंने चीजें कही काफी हद तक सही है, लेकिन पूरी तरह से फिर भी जस्टिफाई नहीं करती है। वो क्यों, ये भी जान लीजिए। मान लो आप कोई कैरेक्टर प्ले कर रहे हो जो कि आपसे मिलता जुलता नहीं है। सपोज दैट मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आपने मांझी द माउंटेन मैन देखी थी नवाजुद्दीन सर की, तो उसमें क्या, नवाजुद्दीन अगर अपना कैरेक्टर प्ले करते तो वो अपने बॉडी गेस्चर्स एंड पोस्चर्स यूज करते, अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने एक्सप्रेशंस यूज करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया, पहले मांझी के कैरेक्टर को पकड़ा और उसका नेचुरल किया, मतलब मांझी कैसे बात करते थे, उनका बात करने का तरीका क्या था, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, उनके सोचने का तरीका क्या था, या किसी भी सिचुएशन में उनका रिएक्ट करने का तरीका क्या था। तो वो सारी चीज़ें जो मांझी के अंदर थी नवाजुद्दीन सर अपने कैरेक्टर के अंदर लेके आए और उनको नेचुरली प्ले किया। और ऐसे ढेर सारे एग्जांपल हैं मेरे पास, जैसे आपने देखी होगी मूवी धोनी। धोनी में क्या, सुशांत सर ने बहुत अच्छा प्ले किया था धोनी को, उन्होंने क्या किया था, धोनी के साथ रहे थे, धोनी को प्रॉपर ऑब्जर्व किया था, है ना, बहुत टाइम बिताया था धोनी सर के साथ, और वो पूछते रहते थे सर आप ऐसे टाइम पे क्या सोचते हो, अगर ऐसी सिचुएशन आती है आप क्या जवाब देते हो। मतलब उन्होंने धोनी की बॉडी लैंग्वेज को तो कॉपी किया, बात करने के तरीके को कॉपी किया, खेलने के तरीके को कॉपी किया, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग धोनी सोचते कैसे हैं उसको कॉपी किया। और ये बहुत ज़रूरी है, इसको बोलते हैं इनर ऑब्जर्वेशन। आउटर ऑब्जर्वेशन तो आप कर लेते हो, लेकिन गाइज इनर ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी होता है। और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे संजू आपने देखी होगी जो संजय दत्त सर के बायोपिक थी, उसमें रणवीर कपूर ने परफॉर्म किया था। तो मैं गया था मूवी देखने, मुझे थोड़े टाइम तक तो लगा कि वो रणवीर कपूर जो है परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन 15-20 मिनट बाद मैं भूल गया रणवीर कपूर को, मुझे लगा ये संजय दत्त ही है। क्यों, क्या केवल कॉपी किया था उन्होंने, नहीं, पूरा बॉडी लैंग्वेज पकड़ा, बात करने का स्टाइल पकड़ा, सोचने का तरीका, चलने का तरीका, उनका इनर ऑब्जर्वेशन भी किया कि डिफरेंट डिफरेंट में मूड में वो कैसे रिएक्ट करते थे, जब वो नशा करते थे तो कैसा लगता था, जब उन्हें नशे की तलब लगती थी तो वो कितना तड़पते थे। आप सीन जाके देखो आपको पता चलेगा वो एक्टिंग नहीं है, वो एकदम रियल अप्रोच के साथ अंदर से। और रणवीर कपूर ने क्या खुद को प्ले नहीं किया उसमें, जैसे पहले हम बात कर रहे थे कि आप खुद को ऑब्जर्व करो कि आप कैसे करते हो, आप जैसे अगर मुझे पानी पीना है तो मैं कैसे पानी पीता हूँ, ये बॉटल उठाया, ये ढक्कन खोला, पानी पिया, रियल लाइफ में मैं कैसे पी रहा हूँ। तो सेम एक्टिंग में भी वैसे ही करना है। एक्टिंग में लोग क्या करते हैं, जब सीन मिलता है, पानी पीने का सीन मिला है, पानी उठाएंगे और डायरेक्ट पी जाएंगे। या मेरे पास फ़ोन है, अगर फ़ोन आएगा मेरे पास नेचुरली, देखो ये फ़ोन आया मेरे पास, मैंने क्या किया, फोन किसका आया देखा, फिर रिसीव करने का साइन दिया, देखा ना, सोचा किसका कॉल आ रहा है। और शूट पे क्या करते हैं लोग, डायरेक्ट फोन उठाया। तो जो आपके रियल अप्रोच है उस तरीके से आपको करना है। और अगर आप दूसरा कोई कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं तो उसका आउटर ऑब्जर्वेशन और इनर ऑब्जर्वेशन दोनों करना पड़ेगा और उसका नेचुरल करना पड़ेगा। तो नेचुरल एक्टिंग को अगर मैं डिफाइन करूं
तो ऐसा है कि कैरेक्टर में रहते हुए आपको नेचुरली प्ले करना है, जो भी कैरेक्टर है, जो भी कैरेक्टर आपको करना पड़ रहा है उसमें आपको करना है। तो लोग कई बोल देते हैं कि नेचुरल एक्टिंग वो होती है, जो एक्टर्स मैं अक्सर उनके मुंह से सुनता रहता हूं कि आप आराम से बात करिए, आइज ब्लिंक मत कीजिए, गेस्चर पोस्चर छोटे छोटे रखिए, आराम से बात करिए। ऐसा नहीं है। अगर कोई कैरेक्टर ही ओवर है तब आप क्या करोगे? मान लो राजपाल यादव के ऊपर बायोपिक बन रही है, तो राजपाल यादव अपने आप में ही एक ओवर एक्टर है, ओवर कैरेक्टर है। उसके जो गेस्चर पोस्चर है, बात करने का तरीका है, या जो भी एक्टिंग करते हैं वो क्या करते हैं, वो पूरी बॉडी का यूज करते हैं। तो हो सकता है वो आपको ओवर एक्टिंग लग रही हो, लेकिन नहीं, वो राजपाल यादव का नेचुरल है। या बात करो रणवीर सिंह की बायोपिक बने, तो रणवीर सिंह में ज्यादा एनर्जी है, तो उसको उस एनर्जी लेवल पे जाके परफॉर्म करना पड़ेगा। और केवल आउटर कॉपी नहीं करना है, इनर से भी कॉपी करना है। अगर केवल आपने आउटर कॉपी किया और इनर ऑब्जर्वेशन नहीं किया तो गाइज वो मिमिक्री हो जाएगी। आप देखते होंगे बहुत सारे मिमिक्री आर्टिस्ट करते रहते हैं, आपको मिमिक्री लगेगी। जब तक आप इनर ऑब्जर्वेशन में नहीं जाओगे, जो एक्टर होता है टाइम लेता है, उस कैरेक्टर में चला जाता है, अपने आपको पूरा उतार देता है, पहले कैरेक्टर में आ जाता है, फिर उसको परफॉर्म करना स्टार्ट करता है, तो वो भी नेचुरल एक्टिंग ही है। ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो अपने आप में ही ओवर हैं। मैंने एग्जांपल दिया राजपाल यादव का, रणवीर सिंह का, और ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। मैंने एक वेब सीरीज आपने भी देखी होगी, मैंने भी देखी, मिर्जापुर। उसमें मुन्ना भैया है, गुड्डू भैया है, पंकज त्रिपाठी है, जो कालीन भैया का कैरेक्टर प्ले किया है, तो आपने देखे होंगे। तो सच में देखो, जो पंकज त्रिपाठी है कितने शालीन आदमी, इतने सीधे लगते हैं, मासूमियत है उनके चेहरे पे। लेकिन जब वो प्ले करने आए कालीन भैया को मिर्जापुर में, तो उनकी बॉडी में क्या एटीट्यूड था, उनके बोलने का क्या तरीका था, उनके गेस्चर्स एंड पोस्चर्स सारे चेंज थे। वो बोल नहीं रहे थे, केवल आंखों से भी एक्टिंग कर दे रहे थे। उन्होंने क्या किया, कालीन भैया के कैरेक्टर को पकड़ा कि अगर कोई गुंडा होगा बड़ा नामी तो वो कैसा होगा, बॉस कैसा होगा, उसको प्ले किया। मुन्ना भैया ने एक कैरेक्टर पकड़ा, और सच में वो ऐसे नहीं है, उस कैरेक्टर को पकड़ा। और अगर हम बात करें गुड्डू भैया की, क्या नाम उनका, अली फैजल, तो उससे पहले, मिर्जापुर से पहले मुझे लगता था ये बहुत सोफिस्टिकेटेड एक्टर्स हैं। मैंने उनके जितने भी कैरेक्टर देखे थे बहुत सॉफ्टली प्ले करते थे वो, लेकिन फिर मैंने उसकी वेब सीरीज देखी मिर्जापुर, कैरेक्टर प्ले किया गुड्डू भैया, जो कि अली फैजल से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था। तो क्या आप समझ रहे हो, जो गुड्डू भैया परफॉर्म किया वो ओवर एक्टिंग थी, नेचुरल नहीं था? गाइज वो बिल्कुल नेचुरल था। अली फैजल ने किया क्या, पहले गुड्डू भैया के कैरेक्टर को पकड़ा। अगर आपने उस कैरेक्टर को देखा होगा तो आपके गली मोहल्ले में, आपके शहर में, आपके गांव में ऐसे कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलते रहे होंगे। आप देखो उन्होंने बहुत ही नेचुरली प्ले किया है। तो बात सिर्फ इतनी है कि नेचुरल एक्टिंग में आपकी रिदम, टेम्पो, जो भी रियलिस्टिक एक्टिंग है, जो भी आप रियल लाइफ में एक्टिविटी करते हो, बस उसको करना है। और अगर कैरेक्टर दूसरा है तो क्या करना है, उस कैरेक्टर की नेचुरल चीजें पकड़नी है, उस कैरेक्टर में खुद को लाना है और फिर उसको परफॉर्म करना है। तो यहां से गाइस आप नेचुरल एक्टिंग सीख जाओगे, इसी को बोलते हैं रियलिस्टिक एक्टिंग। तो गाइस मुझे लगता है कि इतनी सारी बातों के बाद आपको ये तो समझ आ गया होगा कि नेचुरल एक्टिंग आखिर होती क्या है, रियलिस्टिक अप्रोच क्या होती है, और आप इसे कैसे परफॉर्म कर सकते हो। और इस डिस्कशन के बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हो, या फिर ये मेरा इंस्टा आईडी है, आप मुझे यहाँ मैसेज करके पर्सनली मुझसे बात कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करना मत भूलिए, और ये नए एक्टर तक शेयर जरूर कीजिए ताकि उनको ये जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे, और आप मेरे वीडियोज़ ऐसे ही देखते रहें। थैंक यू सो मच।